आपका हम चेक करवा ले रहे हैं। अब तो लोन अमाउंट के हिसाब से हो रहा है भाई, समझ गए। अब जी तो डाटा रिमूव लोन अमाउंट के हिसाब से हो रहा है, इसीलिए आपको हम चार्ज बताइए। जी ठीक है। तो इसका किसका ये कौन ये किसका अपील लेटर भेजे मेरे पर? ये हमारा ही है। अच्छा, आप ही का है? जी अच्छा, ठीक है, हम आपका चेक करा कर बताते हैं। एप्लीकेशन को लेकिन इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है ना? जी ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा? हाँ, डॉक्यूमेंट लोग देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट भेजे थे ना, जी भेजे थे। देखते हैं ओपन होता है कि नहीं होता है। भाई है, ठीक है, चेक करके बता दें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बोल दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। डाटा रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉड अप्लीकेशन हो या NBFC अप्लीकेशन हो, 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, जितना डरिएगा उतना आपको डराएगा सब। अब फ्रॉड अप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है, कितना लोग फ्रॉड अप्लीकेशन का रिपेमेंट कर देते हैं, वो लोग ऐसे ही आपको हरासमेंट करते रहेगा, पैसा लेते रहेगा भाई, ऐसे रिपेमेंट आप करते रहेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। चलिए भाई, कॉल नहीं उठा रहे, यहाँ पर कॉल लगाते हैं। डाटा भाई, डाटा रिमूव हो जाएगा ना मेरे समय? डाटा रिमूव हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है ना? आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो दिक्कत यहाँ पर करेगा भाई। चलिए भाई, कॉल लगाते हैं, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए भाई, आधा अधूरा कभी वीडियो अपने नहीं देखना है, पूरा कंप्लीट देखिए वीडियो। डिलीट कराना चाहते हैं, रिमूव कराना चाहते हैं तो हमसे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका 100% रिमूव। हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ भाई, उनसे बोले लेकिन मान नहीं रहा है सब, समझ गया ना, डायमंड लोन है ना आपका, फ्लैश वॉलेट के अंदर, उसके अंदर वाला है जी। हाँ, नहीं तो बोले भाई लेकिन मान नहीं रहा है सब, समझ गया ना, बोले हम उनसे, डिटेल आपका भेजे हम, ठीक है, लेकिन मान नहीं रहा है सब, तो यही मतलब की दिक्कत हो गया। वैसे तो इसमें सब आधार कार्ड आपका पैन कार्ड दिख ही रहा है इन्फॉर्मेशन में, तो इसी से काम हो जाएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड भेजने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन माना नहीं सब भाई, ठीक है ना, दिक्कतें ही आ गई। तो आप लोग काम कैसे करेंगे थोड़ा बताएंगे? वो देखिए, हम लोग काम साइबर ग्रुप के द्वारा करवाते हैं टीसेल में, वो क्या होता है ना कि सर्वर मतलब कि डाटा हैक करके रखता है सब, समझ गए, सर्वर भाई डाटा हैक करके रखता है सब, और उसी में से लॉगिन करके मतलब कि आपका पैन से लॉगिन करता है, आधार कार्ड से लॉगिन करता है, आधार भी लेता है, तो किसी किसी का आधार कार्ड भी नहीं लेता है, जैसे कि आपका लिया आधार कार्ड तो पैन से पैन जरूर लगता है भाई, पैन कार्ड तो पैन नंबर से वो सब लॉगिन करके मोबाइल नंबर पैन नंबर से वो लोग वहां से निकाल कर वेबसाइट को लिंक करता है सब। ये लोग सोचते हैं कि मतलब कि कहीं सेव कर लिया है इसमें उसमें, तो ये चीज नहीं होता है, सर्वर में वो लोग रखता है डाटा, तो वहीं से सर्वर से रिमूव कराने का काम किया जाता है, वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती है, कोई दिक्कत होता नहीं होता, कोई कॉल मैसेज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल मैसेज नहीं जाएगा, नहीं 6-7 दिन बाद मेरे पास कॉल आएगा ना? नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, एक भी कॉल नहीं आएगा, एक भी कॉल आएगा तो आप बताइएगा, आएगा ही नहीं तो भाई 1 घंटे में आपको प्रूफ मिल जाएगा, समझ गए। ये तो चीज है, काम चालू करवाइए भैया। हम्म, पेमेंट पहले करना पड़ता है?
पेमेंट भाई पहले देना होता, वो तो आपको बताइए कि उसी टाइम में आप। तो आप किसी का करवाएं, हमें थोड़ा प्रूफ वगैरह देंगे। हाँ तो प्रूफ के लिए आपको तो उसी टाइम बोले कि डाटा शो हो रहा है लोगों का, इसीलिए नहीं भेज रहे हैं, तो उसी टाइम बोले आपसे। नहीं तो किसी और दूसरे भाई का करवाए होंगे तो मैसेज वगैरह। भाई वही का तो कहाँ है, भाई वही का नहीं है, लोगों का रहता नहीं, है नहीं, वही। हाँ बोलिए। लोगों को कैसे करवाए होंगे ने आप व्हाट्सएप में बात करके। हाँ वो चीज तो इंस्टाग्राम पर तो हमें स्टोरी लगाई भी की है भाई, समझ गए हैं। इंस्टाग्राम पर स्टोरी को हाईलाइट हम किए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं जाकर, समझ गए हैं। हाँ तक में मेरे को दे देंगे क्या चीज, स्लिप प्रूफ जो बोल रहे हैं। हाँ वही प्रूफ का हम बात करें, उसी प्रूफ में सब चीज मतलब कि शो कर रहा है, इसी वजह से मतलब कि आदमी नहीं दे पा रहा है। लेकिन आप देखिएगा इंस्टाग्राम पर टेक्निकल जी पर मेरा इंस्टा आईडी है, आपको पता होगा, तो उसमें हम स्टोरी को हाईलाइटेड किए हैं, वहां से भी जाकर लोगों का रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारा मतलब कि उस पर है, लोगों का चार्ट है, वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं आप। जिनका जिनका रिमूव हो गया वो खुद भी मैसेज किए हैं कि भाई कोई कॉल मैसेज नहीं आया, ये चीज़ नहीं है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जाइए आईडी पर देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इंस्टाग्राम पर। में हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा, वहाँ पर भी आप देख लीजिए, वहाँ पर सब लोगों से बात विचार है तो सब डाले हुए हैं। नहीं आप करेंगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अभी मान लीजिए कितना हो रहा है, 4:40 हो रहा है, ठीक है, तो आपका अभी 4:40 हो रहा है तो आपका 6 बजे तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा भाई, जब इंस्टॉल ही रखिएगा तो फिर तो फिर वही काम हो जाएगा। तो अभी मैं कर दिया तब ठीक है, रिमूव कराने से पहले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल। अब लोगों का कॉल आने का जिम्मेदार यही होता है कि एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं और देखने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए कॉल आने लगता है। फिर तो वही काम हो जाएगा, जहां से शुरू हुआ था वही चीज आ जाएगा, इसीलिए अनइंस्टॉल कर दिया रिमूव कराने से पहले। अनइंस्टॉल कर देना, फिर इंस्टॉल करना ही नहीं है ना। आपको इंस्टॉल नहीं करना है भाई, एप्लीकेशन को इंस्टॉल क्यों कीजिएगा बताइए, पेमेंट थोड़ी ना करना है उसको। नहीं। हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर परेशान तो ना करेंगे आगे, कोई परेशानी नहीं होगी भाई, रिमूव हो जाने के बाद कॉल ही नहीं आएगी, कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं रहेगा तो परेशानी क्या होगी, आप ही बताइए। जब उसके पास डाटा ही नहीं बचेगा तो परेशानी किस बात का होगा, अब उसके पास डाटा रहेगा तो ना मतलब कि परेशान करेगा आपको, हरासमेंट करेगा, कॉल करेगा, गाली गलौज करेगा, अब उसके पास रहवे नहीं करेगा तो परेशानी किस बात का, ये चीज रहता है। ठीक है ना, 3 दिन बचा मेरे पास पेमेंट देने का टाइम उसका ना। तो पेमेंट तो आपको भाई किसी भी हालत में करना ही नहीं है, पेमेंट कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो बार बार आपको अकाउंट में पैसा डालकर बार बार हार्समेंट करेगा सब, समझ गए, वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो मैं आपको पेमेंट करके बात कॉल करूं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों बात विचार हो गया, बोल दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, हेलो साहब से बात करनी है कुछ, चलिए कॉल लगाते हैं। अरे भाई पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, समझ गए ना, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर वही दिक्कत। चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो कंप्लीट तक देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्लिपकार्ट पे लेटर से मोबाइल लिए थे,
नहीं दीजिएगा तो भाई सिविल स्कोर डाउन होगा, वही है कि डाटा रिमूव हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर लोन अमाउंट के लिए यही चीज़ भाई, पेड पिक से कुछ बात करना, फिर रिपेमेंट रिकारी नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल डाउन होगा भाई। एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिपेमेंट कर दीजिएगा तो सिविल स्कोर नहीं डाउन होगा आपका, नहीं कीजिएगा तो भाई डाउन होगा ही होगा भाई। एनबीएफसी एप्लीकेशन है तो ये सारा चीज तो प्रॉब्लम भाई क्रिएट होगा ही होगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर देखते हैं वीडियो कंप्लीट। देखिए आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। आधा अधूरा कभी वीडियो मत देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो देखिए कुछ आपको समझ में नहीं आएगा भाई, देखना है तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखिए। चलिए कॉल लगाते हैं भाई। हेलो नहीं कोई उठा रहा भाई। एनबीएफसी गलती यही होता है कि भाई लोग लोन ले लेते हैं और रिपेमेंट नहीं होता एनबीएफसी का, तो सिविल स्कोर का मतलब कि डर रहता है, समझ गए। सिविल रिपोर्ट जो है ना आपका खराब हो जाएगा भाई। हाँ भाई बोलिए, बताइए। हाँ हेलो, भाई बोलिए। कर दिया हूँ भैया 1200 पेमेंट, अंकित अच्छा, राय के नाम से होगा जी। ठीक है भाई, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, भेजना होता उन पर। हाँ हाँ प्लीज भैया करवा दीजिए, ठीक है भाई, बहुत स्क्रीनशॉट भेज परेशान दीजिए, हम करवा देते हैं। परेशान बहुत परेशान हूँ मैं। पक्का कॉल ना आए ना, पाका भाई कॉल में से नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, और उनको 1 रुपया रिपेमेंट नहीं करना होगा। एक बार तो 3700 दे भी दिया हूँ टाइम के लिए, 8 दिन से ज्यादा हो गया तो 3700 रुपये ले भी लिए, बोले 8 दिन का और टाइम मिलेगा। बताइए कोई फायदा हुआ पैसा देने का? 8 दिन टाइम, 8 दिन के लिए 3700 रुपया ले लिया, और 5000 रुपये लगा रहे थे, नहीं कितना मांग रहा था? 10000 मांग रहे थे, 5000 डाले थे, 10000 मांग रहे थे, 3700 रुपया ले लिया है 3700 रुपये ले लिया 8 दिन टाइम देने के लिए। कैसे जी। लोग रिपेमेंट कर देते हमको समझ ही नहीं आता है भाई। कुछ होता नहीं है भाई, यही है कि अब क्या करें, कॉन्टेक्ट लिस्ट रहता है तो ये चीज डराता है, लीगल का भी डराता है, समझ गए। लीगल एक्शन हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, लेकिन कुछ होता होता नहीं है, समझ गए ना। लीगल उगल का डरा ही होगा आपको। जी, पर वो बोल रहे थे कि आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन करके आपकी फोटो का हाँ देखिए, जानकारी उनके पास डाटा रहता है ना तो उसी पर वो लोग डराते हैं। अब उनके पास डाटा रहेगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट रहता है, गैलरी का भी एक्सेस रहता है, समझ गए। कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, ये सब सारी चीज रहता है ना, तो उसी के बलबूते पर वो लोग मतलब कि डराता है, धमकाता है लोगों को। तो हो जाएगा ना। सब रिमूव हो जाएगा भाई, गैलरी वाली सब, जितना भी सब रिमूव, कोई कॉन्टेक्ट नहीं होगा आपसे, समझ गए। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। तो आपको स्क्रीन शेयर भेज दूं? हाँ पेमेंट का भेज दीजिए, हम भेज देते हैं, ठीक है ना। कितने टाइम तक में हो जाएगा? 1 घंटा में, 6 बजे तक हो जाएगा आपका। आप खुद कॉल करेंगे कि मैं करूंगा? आप मैसेज कीजिएगा 6 बजे नेट, ठीक, मैं आपको 7 बजे कर। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मेरे पास लोगों का इतना है, इतना कॉल मैसेज आता है ना कि आदमी उसी में अब ध्यान ही नहीं रहता कि किनका क्या है, कैसे पता चलेगा किनका क्या नंबर है कि नहीं।
तो इसीलिए हम टाइम दे देते हैं, उस टाइम के हिसाब से लोग मतलब कि मैसेज कर कर पूछते हैं ये चीज है। क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आता है मेरे पास अलग अलग एप्लीकेशन से, बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन चलता है ना, बहुत अलग अलग एप्लीकेशन से आता है। तो ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भाई, बात विचार हो गया, बोल दिए क्या करना है, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिए। अब आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, तो क्या उसे एडिट करेगा। चलिए कॉल लगाते हैं भाई, पूरा देखिए कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा। हेलो, हाँ भाई बोलिए, बताइए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी आवाज आ रही है। बोलिए भाई बताइए। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर 2-3 हजार रुपए पेंडिंग हो तो व्यस्त हो जाइए, पैसे हो जाए ना। इतना कौन सा एप्लीकेशन है जी? एप्लीकेशन का नाम क्या है? सर फ्लिपकार्ट पे लेटर। फ्लिपकार्ट पे लेटर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वही है कि सिविल रिपोर्ट खराब कर देगा, सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगा, ये चीज है भाई। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बात तो मैसेज आता कि घर जाएंगे, अब मैं घर से भी नहीं। ना ना भाई, इतना के लिए घर नहीं आएगा, बस यही रहता है कि ये चीज हो जाता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करता है, समझ गए? हाँ ये चीज भाई, घर पर नहीं आएगा। घर पे नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। ना ना घर पर ना, इतना इतना में घर पर नहीं आएगा भाई। मेरा सिटी में नहीं है ना, मेरा गांव है तो सिटी में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। ना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। वो मुझे कल का बोलना था ना, वो जो अच्छा से मैसेज आया था, वो थोड़ा रूडली बात किया उसने मुझसे, तो बोला कि तुम्हारी दीदी को जाके मिलूंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं। ऐसा कुछ हो रहा था, तो वैसे मुझे लगता नहीं वो 3 हजार रुपये बदले या फिर आएगा। ना भाई नहीं आएगा, वो ऐसे डराते हैं धमकाते, नहीं आएगा इतने कम अमाउंट के लिए, नहीं आएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, ओके भाई, शुक्रिया भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बोल दिए, अब यहाँ पर देखते हैं चैनल को। वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखिएगा, कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आप लोग कर दीजिएगा तो आपको हरासमेंट करेगा, डराएगा, धमकाएगा, ये सब सारा चीज करेगा सब, तो इनका यही काम रहता है फ्रॉड एप्लीकेशन का, कभी भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना है। चलिए भाई कॉल लगाते हैं, देखिए पूरा कंप्लीट तक वीडियो, वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, जब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा कुछ आपको ये चीज नहीं। हाँ भाई बोलिए बताइए। मेरे को होम क्रेडिट से नोटिस आया है। अच्छा, वो बोल रहे कि पेमेंट करो जल्दी, तो होम क्रेडिट से कोर्ट में जाना पड़ेगा। नहीं होता है भाई, अनसिक्योर लोन है, कोई लीगल एक्शन नहीं होता है भाई, ये सब फेक है, बकवास है ये सब। खुद का खुद बनाते हैं क्या? खुद ही बनाता है सब, तब ये कुछ होता है? कुछ नहीं होता भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इधर पुणे में रहते हो ना, पुणे का? अच्छा, उसका एड्रेस वो ऐसे डाला है। ना ना भाई नहीं होगा। कितना का लोन था आपका होम क्रेडिट से?
1 लाख तो था, अभी तो 80 लाख बढ़ना है। 80,000 है? 80,000। अच्छा, ना भाई कोई दिक्कत।